साथियों नमस्कार, मैं महेश चंद्र कौशिक अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए एक ऐसी छोटी सी उपयोगी ट्रिक बताने वाला हूं, जिससे आप क्षण भर में आसानी से पहचान सकते हैं कि आज मार्केट की डायरेक्शन क्या रहने वाली है, मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा या मार्केट नीचे की तरफ जाएगा, तो आपको कॉल खरीदनी चाहिए या पुट खरीदनी चाहिए। देखो, ये नेक्ड कॉल पुट खरीदने की विधि भी है ये। इसमें यदि कोई नेक्ड कॉल पुट खरीदना चाहे तो वो भी यूज कर सकता है, और बेचना चाहे तो उसके लिए भी यूज हो सकता है। आपको एक बार यदि मार्केट की डायरेक्शन का मोटा मोटा अंदाजा हो जाए तो आप ऑप्शन ट्रेडिंग की जो भी एडवांस विधियां हैं और भी मेरे बहुत से वीडियो, उनको देख के आप सीख सकते हैं। तो उनका प्रयोग आप मार्केट की डायरेक्शन का यदि अंदाजा हो जाए तो बहुत ही ईजीली कर सकते हैं। तो ये जो आज मैं ट्रिक बताने वाला हूँ आपको, ये 75% मामले के अंदर कारगर होती है, 25% इसका अपवाद है। 25% मामले के अंदर हो सकता है ये ट्रिक काम नहीं करे। तो 75% में यदि काम करती है तो बहुत अच्छी बात है, 25% तो आपका भाग्य है, किस्मत है। कई बार ऐसा होता है कि आप इसको यूज़ करेंगे उसी दिन वो 25% वाला दिन हो तो गंजे का बाहर निकलना हुआ, रोड़े पड़ने हुए, मुहर आपने सुना हुआ हिंदी में, वो वाली कहानी हो जाए तो अलग बात है। नहीं तो आप इसको एक महीने तक, जो मैं आपको ट्रिक बताऊं, पेपर ट्रेड करके देखना, कागज़ पे नोट करके एक्सपीरियंस करके देखना, तो आपको बहुत अच्छी ट्रिक मिलेगी। तो इस विधि का नाम है तराजू विधि या बैलेंस मेथड, इंग्लिश में कह सकते हैं। इंग्लिश के अंदर तराजू को बैलेंस भी कहते हैं। तो तराजू विधि में देखो, आप फोटो देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप बाज़ार में सामान लेने जाते हैं तो एक दुकानदार के पास एक तराजू होती है इस तरह से। तो यदि दुकानदार आपका सामान इधर रखता है, इधर दुकानदार सामान रखता है, इधर वो बाट रखता है, वेइंग स्केल जो है इधर रखता है, और आपका जो आपने चीज़ ली है वो आपकी चीज़ इधर रखता है। तो आप मान लीजिए कि बाट की साइड झुकी हुई है, सामान उसने आपको हल्का दिया है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं दुकानदार बदमाश किस्म का है, यानी आपको कम तोलता है, कम किस्म का तोलने वाला ठग किस्म का दुकानदार है। और यदि उल्टा करता है, इधर वो आपके वेइंग स्केल रखता है, बाट इधर रखता है और आपका सामान जो है इधर रखता है, आपको झुकता हुआ सामान देता है, आप मान सकते हैं दुकानदार भला आदमी है, आध्यात्मिक आदमी है, भगवान को मानने वाला आदमी, थोड़ा सामान हमें आवश्यकता से अधिक ही देता है। तो वो जैसे आप दुकानदार की नेचर का अंदाज़ा लगा सकते हैं, वो ठग किस्म का है, अच्छी किस्म का व्यक्ति है, आपको ठगना नहीं चाहता वो व्यक्ति। तो वैसे ही आप इस प्रकार की एक वेइंग स्केल में, आपको तराजू मेथड की एक स्केल आपको मैं ऑप्शन चेन के अंदर बताने वाला हूँ, जिससे आप आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज जो है मार्केट की डायरेक्शन क्या रहने वाली है, जो कि मैंने आपको पहले जैसा बताया 75% से लेकर के 80% टाइम सही जाती है, 25% से लेकर 20% टाइम वो गलत भी जाती है। तो उसके लिए आपको स्टॉप लॉस भी मैं आगे बताऊंगा, स्टॉप लॉस भी रख सकते हैं आप, और आपको प्रैक्टिकल में ऑप्शन चेन पे भी जाके दिखाऊंगा, खाली बोर्ड पे नहीं समझाऊंगा। आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें तो आपको कमेंट में प्रश्न पूछने की बाद में जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। तो इसके लिए देखो, इस विधि का पहला स्टेप क्या है, सबसे पहले आपको इस विधि को यूज़ कब करना है ये तय कर लीजिए। इस विधि को आपको यूज़ मार्केट खुल जाने के आधा घंटा हो जाने के बाद में करना है। लगभग 9:15 बजे भारतीय शेयर बाजार खुलता है, तो 9:45 बजे के करीब लेकर के 9:30 से लेकर के 10:15 के बीच में, 9:10 जानते हो 9.45, जो मेरे साउथ इंडियन फॉलोअर है वो समझ नहीं पाते हैं कई बार, मैं हिंदी उनके लिए बता रहा हूँ कि लगभग 9.45 AM से लेकर के 10.15 PM तक आपको इस विधि का, आधे घंटे के अंदर अंदर आपको इस विधि का प्रयोग करना है। पूरा आधा घंटा 30 मिनट में आपको तराजू विधि का इस्तेमाल करने के लिए दे रहा हूँ। तो उसमें आपको क्या करना है, मान लीजिए आपने 10 बजे के आसपास इस विधि का प्रयोग किया। क्योंकि मैंने 10 बजे का टाइम क्यों लिया है, क्योंकि मैं जो आज 10 बजे के आसपास मैंने इस विधि के लिए आपके लिए स्क्रीनशॉट लेके रखे हैं, वो स्क्रीनशॉट आगे आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल में दिखाने वाला हूं। उस समय मान लीजिए निफ्टी 18,675 के आसपास था, उसमें निफ्टी 18,675 के आसपास था। तो एक तो आपको पहला पॉइंट तो क्या हो गया, इस विधि का प्रयोग मार्केट खुल जाने के लगभग आधे घंटे की ट्रेड हो जाने के बाद करना है, यानी 9:45 से लेकर के 10:15 के बीच में करना है। एक घंटे से ऊपर की ट्रेड नहीं हुई हो और आधे घंटे से कम की ट्रेड नहीं हुई हो, पहला पॉइंट तो आपको ये ध्यान रखना है। फिर आपको निफ्टी, दूसरा पॉइंट क्या है, निफ्टी का वर्तमान स्तर देखना है कि निफ्टी का अभी का स्तर क्या है, 18,675 है मान लीजिए, अब वो गिरा हुआ है या बड़ा हुआ है पिछले दिन से, पिछले दिन के क्लोज से बड़े गिरे हमें उससे कोई मतलब नहीं है, आपको उसका वर्तमान स्केल देखना है। फिर आपको एट द मनी कॉल देखनी है, या तो एट द मनी कॉल देखनी है या एट द मनी पुट देखनी है, आप दोनों में ही देख सकते हैं। धीरे धीरे आप जैसे एक्सपीरियंस लेंगे, पेपर ट्रेड करेंगे, वैसे वैसे आपको आइडिया हो जाएगा। तो आपको फिर क्या करना है, मान लीजिए पहले आप क्या देखते हैं, एट द मनी कॉल देखनी है, तो 18,675 यदि निफ्टी ट्रेड कर रहा है तो 18,650 की कॉल ऐसी है जो 75 पॉइंट पहले से ही फायदे में है,
जो निफ्टी उससे 75 पॉइंट पहले से ऊपर है। तो इसको कहते हैं एट द मनी कॉल। इससे पीछे की जो कॉल है 18,600 है, 18,550 है, वो सब क्या है, इन द मनी कॉल है, यानी वो तो बहुत ज्यादा फायदे में, ये जस्ट फायदे में। एट द मनी मानी एट द मनी, इन द मनी और एट द मनी अंतर समझिए आप, कि एक तो होता है आउट ऑफ मनी, 18,700 की कॉल यदि है तो आउट ऑफ मनी है, पहले 25 पॉइंट बढ़ेगा तब आपकी 18,700 की कॉल फायदे में आएगी। 18,650 की कॉल यदि है तो वो एट द मनी कॉल है, यानी इसमें 25 पॉइंट ये पहले से इसके अंदर फायदा मिल रहा है। और 18,600 की कॉल यदि है तो आपको उसमें 75 पॉइंट का फायदा मिल रहा है, तो वो इन द मनी कॉल है, इन द मनी कॉल। तो आपको क्या करना है, एट द मनी एटीएम कॉल या एटीएम पुट आपको देखनी है। देखो पुट के लिए 18,700 का जो स्ट्राइक प्राइस है वो एट द मनी पुट होगा, यानी 25 पॉइंट मार्केट गिरा हुआ है पुट के लिए, ये माना जाएगा कि 18,700 की पुट जो है वो 25 पॉइंट फायदे में है, तो वो एट द मनी पुट होगी। तो आप दोनों में से किसी को भी देख सकते हैं, मैं दोनों एग्जांपल समझाऊंगा यहाँ पर आपको। एट द मनी कॉल देख सकते हैं आप, एट द मनी पुट से भी आइडिया लगा सकते हैं, दोनों से आपको आइडिया हो जाएगा। यदि समझ में कम भी आया आपको थ्योरेटिकल बात, तो प्रैक्टिकल में मैं अभी स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा, उससे आपको और भी आइडिया हो जाएगा। फिर एक ऑप्शन चेन इस प्रकार से होती है, आप मार्केट में आप देख सकते हैं ऐसे ऑप्शन चेन होती है, इस साइड में कॉल के प्राइस होते हैं, इस साइड में पुट के प्राइस होते हैं। तो आपको मान लो आपने कॉल देखी 18,650 की, जो कॉल है 18,650 की यदि कॉल है उसका यदि प्रीमियम चल रहा है 175 रुपये, और 18,650 की पुट का प्रीमियम चल रहा है 130 रुपये, तो दोनों के बीच में आप अंतर देखिए, ये जो तराजू है ये संतुलित नहीं है। दोनों के बीच में अंतर यदि 25 पॉइंट से ज़्यादा हो, निफ्टी के मामले में ये अंतर देखो आप 25 पॉइंट से ज़्यादा है, 130 और 175 के अंदर 45 पॉइंट का फर्क है। यदि दोनों में अंतर निफ्टी का मामला हो तो 25 पॉइंट से ज़्यादा होना चाहिए, क्यों, क्योंकि निफ्टी की स्ट्राइक प्राइस के बीच में 50-50 पॉइंट का अंतर होता है, तो उससे आधा कर लिया हमने, ये अंतर 25 पॉइंट से ज़्यादा होना चाहिए निफ्टी के मामले में। बैंक निफ्टी के मामले में अंतर 50 पॉइंट से ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि बैंक निफ्टी की स्ट्राइक प्राइस में 100-100 पॉइंट का अंतर होता है, तो आधे से ज़्यादा अंतर होना चाहिए, 50 पॉइंट से ज़्यादा का अंतर होना चाहिए बैंक निफ्टी के मामले में। और फिन निफ्टी के मामले में भी 25 पॉइंट का अंतर होना चाहिए, क्योंकि फिन निफ्टी आपका जो है वो 50-50 की स्ट्राइक प्राइस में चलता है, तो जितनी स्ट्राइक प्राइस में गैप है उसका आधा उसमें अंतर, आधे से ज़्यादा अंतर होना चाहिए। यह अंतर आप देखो, यदि आप एट द मनी कॉल देखते हैं 18,650 की कॉल, उस पर यदि प्रीमियम 175 का चल रहा है, और 18,650 की पुट पे इस साइड पे यदि प्रीमियम 130 का चल रहा है, तो दोनों में जो अंतर है वो 45 पॉइंट का है लगभग, यानी 25 पॉइंट से ज़्यादा का अंतर है। तो कॉल की साइड में बार ज़्यादा है, कॉल की साइड में वेट ज़्यादा है, तो इसका मतलब आज मार्केट बढ़ने वाला है। यदि आप नेक्ड खरीदते हैं कॉल और पुट में, आपको डिसीजन करना है कि आप मैं नेक्ड कॉल खरीदूं या नेट पुट खरीदूं, तो आप नेक्ड कॉल खरीदने को यदि प्राथमिकता देंगे तो आपके जीतने के आसार 75% रहेंगे, 25% इसमें हारने के आसार भी है, जिसके अंदर मैं आपको आगे स्टॉप लॉस बताऊंगा। इसी तरह से आपको एक मार्केट की जो मोटी मोटी डायरेक्शन का अंदाजा हो जाता है, और यही आप यदि मान लो एट द मनी पुट के अंदर चेक करते हैं, मान लो आपने एट द मनी पुट चेक की, और एट द मनी पुट के अंदर आपको यहाँ तो मिल रहा है प्रीमियम 195 का, यहाँ तो प्रीमियम मिल रहा है 195 का, और यहाँ प्रीमियम मिल रहा है 150 का, तो यहाँ आप देखेंगे कि लगभग 45 पॉइंट का अंतर इस साइड में ज़्यादा है पुट की साइड में, तो मार्केट के गिरने की जो आज दिशा है वो ज़्यादा अच्छी रहेगी। तो इसके अंदर एक लॉजिक है, लॉजिक क्या है, लॉजिक ये है कि इसके अंदर पेन थ्योरी काम करती है, कि यदि आपको कोई ज़्यादा प्रीमियम दे रहा है पुट पे, आपको अधिक प्रीमियम दे रहा है, तो आपको प्रोत्साहित कर रहा है कि आप पुट बेचो, और आपको पुट खरीदने से हतोत्साहित कर रहा है। तो जो बड़े जो ट्रेडर है, जिनको आप ऑपरेटर कह सकते हैं, ऑपरेटर आपको फंसाने के लिए इस प्रकार का मामला आपको दिखाई देगा ऑपरेटर के मामले में आपको, कि यदि आपको प्रीमियम कॉल में अधिक दिखाई दे रहा है पुट में कम दिख रहा है, तो फिर लोग क्या करते हैं आमतौर पर, उसमें आपको ये भी दिखेगा मार्केट थोड़ा सा लाल निशान में भी दिखेगा, थोड़ा गिरा हुआ भी दिखेगा, आप आराम से फंस जाएंगे, आप देखेंगे यार प्रीमियम भी कम है पुट ही खरीद लेता हूँ, आज मार्केट गिरने वाला भी है, छोटा निवेशक फंस जाता है। जबकि आपको इसे उल्टा चलना है, जहाँ प्रीमियम ज़्यादा हो और अंतर भी 25 पॉइंट से ज़्यादा का होना चाहिए निफ्टी में, बैंक निफ्टी में 50 पॉइंट से ज़्यादा का होना चाहिए। तो इसके पीछे ये लॉजिक काम करता है। और एक बात एकदम स्पष्ट सुन लो, यदि आप वीडियो स्किप करके नहीं देख रहे हैं, तो ये विधि सिर्फ इंट्राडे में आपको प्रयोग करनी है। इंट्राडे में आप कॉल पुट खरीदने के लिए, बेचने के लिए, अब आपको बढ़ने का आइडिया हो गया, तो आपको पता चल गया कि आपकी आज की जो है कॉल बढ़ने वाली है, तो आप कॉल उस दिन बेचने को, कॉल सेलिंग को आप स्थगित कर सकते हैं, पुट को आप बेच के चल सकते हैं। और इसके अंदर
जो स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस जैसा कि मैंने मेरे पहले जितने भी वीडियो मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग के डाले हैं उसमें बताया, मैंने एक लॉट के लिए आपको 2000 रुपए का स्टॉप लॉस मान के चलना है, चाहे आप कॉल या पुट खरीदें, चाहे आप कॉल या पुट बेचें। यदि एक लॉट आपने लिया है वो 2000 रुपए से अधिक के लॉस में आ जाता है तो बस वही पॉइंट आपका स्टॉप लॉस है। 2000 से ऊपर का लॉस आप इस विधि के अंदर मत खाइए। तो ज्यादातर मामलों में जब आप पेपर ट्रेड करेंगे आप देखेंगे कि अक्सर आपको ज़्यादा दिनों में कभी 3000 का फायदा हो रहा है, कभी 5000 का हो रहा है, कभी 6000 का हो रहा है, लेकिन आपका जिस दिन लॉस का दिन होगा उस दिन आप 2000 में यदि आप स्टॉप लॉस रखेंगे तो आप अपना लॉस उसके अंदर सीमित कर लेंगे। तो ऐसे पुट के अंदर आपको मैंने बताया कि पुट का यदि आप देखते हो एट द मनी पुट, मान लो 18675 पे निफ्टी या आप 18700 पुट देखते हो, उसमें यदि प्रीमियम इस प्रकार से है कि उसके अंदर 195 का प्रीमियम इसमें चल रहा है, इसमें 150 का प्रीमियम चल रहा है, तो पुट में यदि ज़्यादा प्रीमियम मिल रहा है तो मार्केट गिरने की दिशा में जाएगा, गिरने की डायरेक्शन में जाएगा। 75% ये मामला लगभग सही जाता है। बाकी मैं आपको इसको अभी आज के दिन का उदाहरण दे करके, स्क्रीनशॉट दिखा करके प्रैक्टिकल में भी और समझा देता हूँ। ये निफ्टी की वीकली एक्सपायरी की ऑप्शन चेन का स्क्रीनशॉट है जिसमें मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया 20 जून 2023 को सुबह 10 बजे करीब टाइम था और निफ्टी 18675 रुपये पे ट्रेड कर रहा था। तो आप देख सकते हैं कि 18650 की कॉल एट द मनी कॉल है, एटीएम कॉल है। तो इस एटीएम कॉल में यहाँ जो प्रीमियम हमें मिल रहा था 90 रुपये के आसपास मिल रहा था प्रीमियम, देख सकते हैं एटीएम कॉल का प्रीमियम 90 रुपये के आसपास था, और इसी स्ट्राइक प्राइस की 18650 की पुट का प्रीमियम 40 रुपये के आसपास था, यानी 50 पॉइंट के करीब दोनों के अंदर अंतर था। और यदि पुट की बात करें तो 18700 की जो पुट है इसके अंदर वो एटीएम पुट है, यानी 18675 पे निफ्टी अभी ट्रेड कर रहा है, तो 18700 की पुट एट द मनी पुट है, इस पे जो प्रीमियम था 61 रुपये था और कॉल का प्रीमियम भी 61 रुपये था, दोनों ये तो लगभग बराबर थे, तो पुट से कोई आइडिया नहीं लग रहा, परंतु कॉल का ये जो प्रीमियम है इसमें 18650 का जो प्रीमियम है एट द मनी कॉल का, इसमें 50 पॉइंट का अंतर ये संकेत कर रहा था कि आज जो है कॉल का प्रीमियम बढ़ने वाला है, अर्थात निफ्टी आज आगे बढ़ने वाला है। तो उसके बाद मैंने मार्केट बंद होते समय का स्क्रीनशॉट लिया, वो आप ये सेकंड स्क्रीनशॉट के अंदर देख सकते हैं। फिर मार्केट बंद हुआ 3:20 के करीब 18823.60 रुपये करीब ट्रेड कर रहा था, तो पिछले दिन के क्लोज से 68 पॉइंट बढ़ गया, परंतु जिस समय हमने 18675 के करीब 10 बजे करीब देखा था उससे तो ये 150 अंक के करीब बढ़ गया, और जो 18650 की कॉल पे 90 रुपये के करीब प्रीमियम चल रहा था बढ़ के 190 रुपये के करीब हो गया। उसके बाद अगला स्क्रीनशॉट में आपको निफ्टी की मंथली एक्सपायरी का दिखाता हूँ। ये जब 10 बजे के आसपास ही निफ्टी 18671 पे था उससे मैं लिया हुआ है, तो उसमें 18650 की कॉल एट द मनी कॉल है, इसमें 169 रुपये का प्रीमियम चल रहा है लगभग, लेकिन पुट के अंदर 79 रुपये का प्रीमियम चल रहा है, दोनों में आप देख सकते हैं 90 रुपये के करीब अंतर है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण अंतर है, इससे भी पता चलता है कि निफ्टी कम से कम आज के दिन तो बढ़ने ही वाला है आगे, जबकि 84 पॉइंट यहाँ गिरा हुआ था, परंतु इससे आपको तराजू विधि से इस बैलेंस को देख के अंदाजा अनुमान आसानी से लगा सकते थे। पुट इसकी 18700 की पुट जो है एट द मनी पुट है, इसमें भी आप देख सकते हो पुट में भी स्पष्ट अंदाजा हो रहा है कि 18700 की जो एट द मनी पुट है उसमें जो है पुट साइड का प्रीमियम कम है 97 रुपये, जबकि कॉल साइड का प्रीमियम 138 रुपये है। तो इन दोनों बातों से स्पष्ट रूप से मार्केट के शॉर्ट टर्म में लॉन्ग रन में होने का पता चल रहा है कि शॉर्ट टर्म के अंदर मार्केट कम अवधि के अंदर लंबी दौड़ लगाने वाला है। और ये मार्केट बंद होते समय का ये मंथली एक्सपायरी का स्क्रीनशॉट आप देख सकते हो कि जो 18650 की ये आपने 18650 का 169 रुपये प्रीमियम देखा था मार्केट जब खुला था 10 बजे के आसपास, उस समय वही 18650 में बंद होते समय प्रीमियम 258 रुपये करीब था, यानी 100 रुपये से के लगभग इसमें भी हमें फायदा मिलता है इस प्रकार से करते हैं। तो कुल मिला के ये मोटा मोटा आइडिया आप लगा सकते हो जो कि 75% के करीब मामलों में सही जाता है, आप पेपर ट्रेड करके इसको चेक कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आज की छोटी सी ट्रिक आपके समझ में आ गई होगी और आप आश्चर्य करेंगे कि आपने पहले इस तरह का क्यों नहीं सोचा। तो आपको मैं फिर सलाह देता हूँ एक बार वापस कि आप इस विधि को रियल मार्केट में इस्तेमाल करने से कम 7 दिन तक इसको पेपर ट्रेड करके देखिए, कागज़ पे इस्तेमाल करके इसको देखिए, जिससे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आपको और ज़्यादा आइडिया होगा कि मार्केट किस प्रकार से बिहेव करता है। और फिर आप यदि रियल ट्रेड में इस्तेमाल करते हैं तो आप हमेशा 25% संभावना को मान के चले कि 25% संभावना इस विधि के फैल जाने की भी रहती है, तो उसके अंदर आपको 2000 रुपये का स्टॉप लॉस जो मैंने एक लॉट के लिए बता रखा है, एक लॉट से ज़्यादा लॉट तो लगाओ ही मत, मैं कह रहा हूँ निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, फिन निफ्टी है, 3-4 चीज़ें हैं,
आप एक लॉट का ही प्रयोग करो सबके अंदर चैन देख करके, और एक दिन में यदि एक लॉट भी आप लगाते हैं तो ऑप्शन ट्रेडिंग में रिटेल ट्रेडर के लिए तो खूब है। आगे मेरी ऑप्शन ट्रेडिंग की एडवांस विधियों पर बुक आ रही है, उसमें मैंने इस विधि सहित अन्य बहुत सी अलग अलग विधियों पर प्रकाश डाला है, डिटेल आप बाद में उस बुक में पढ़ सकते हैं। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य अवगत करवाइएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। फेमस शेयर बाजार में निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। यद्यपि मैं महेश चंद्र कौशिक सेबी से पंजीकृत रिसर्च एनालिस्ट हूँ तथा मेरी तरफ से बेस्ट जानकारी प्रोवाइड कराने का पूरा प्रयास करता हूँ, पर शेयर मार्केट में कोई भी ट्रेडिंग या निवेश का सिस्टम 100% परफेक्ट नहीं होता। अतः इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी से आपको शेयर बाजार में 100% लाभ ही होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, आपको इससे नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। अतः इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी को सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए समझा जावे तथा इसमें बताई गई जानकारी का उपयोग स्वयं विवेक से करें। मैं इस वीडियो का निर्माता किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं रहूंगा। धन्यवाद।